बिल्कुल आपकी बात सही है, जो डेली वेजेस का मुद्दा है जैसे बार बार आपने उठाया है, और आपको पता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं डेली वेजर्स भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर, एक गुड न्यूज सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली वेजर्स, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक गुड न्यूज सामने निकल कर आ चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है, सबसे पहले जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो चलिए पहले एक नजर आप इस अपडेट पर डालिए, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा होगा, थाली में रोटी आ जाएगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दालों के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ रहे हैं कि अब जीना मुश्किल हो चुका है, और जो लोग पहले नौकरी करते थे कोविड में उनकी सैलरी भी आधी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का जो इस समय परिदृश्य बन रहा है, एक ऐसा धड़ा है, एक ऐसे समाज के लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि सरकारी नौकरी में है लेकिन सरकार की सुविधा नहीं मिल रही, उनको डेरी वेजर कहा जाता है। अब वो दीवार बनकर खड़े होंगे सुनील जी, तो वो जवाब क्या रहेगा भाजपा? बिल्कुल आपकी बात सही है, डेरी वेजर का मुद्दा है जिस बार आपको पता है कि डेली वेजेस के लिए भी लगातार मैंने ऊपर सेंटर तक भी किए और हर जगह हमारे कार्यकर्ता जैसे जितने भी भाजपा के उन्होंने सेंटर में भी बात की है, और मुझे पूरा यकीन है और हो सकता है ऊपर से कहीं ये बात भी रहती हो कि एक अच्छी खबर इनके लिए आने ही वाली है और आएगी, जरूर आएगी, जब इलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आप इससे वोट बटा। ऐसा कुछ नहीं है जो इनके लिए बढ़िया से बढ़िया होगा वो इसी सरकार के द्वारा किया जाएगा। टीचर्स है, आपके जितने भी हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, हमने उनकी मेरे से बात रहती है, जहाँ तक हमारे प्रयास रहते हैं हमने ऊपर बात भी करते रहते हैं, और जितना हो सके उनके लिए सालों से इंक्रीमेंट भी करते ना डेली वेजेस की, तो देखिए बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इंक्रीमेंट इसी सरकार में हुई है, और ये खुद जो डेली वेजर्स हमारे भाई हैं उन्होंने ये बात भी बोली है। डेली वेजर का सबसे बड़ा आरोप कि गृह मंत्री स्वयं जम्मू आते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने मिनिमम वेज एक्ट लगा दिया लेकिन जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को वो मिला नहीं, तो जो उनके लिए वहां पर भाषण लिखते हैं वो कौन गुमराह कर रहे हैं, भाजपा के नेता कर रहे हैं कौन? देखिए गुमराह कोई किसी को नहीं कर रहा है, आपने देखा कहीं कहीं जैसे डेली वेजर्स की कई बातें, कितना उन्होंने बिचारों ने अपना लगातार प्रोटेस्ट भी किया, ये सब चीजें जो है ऊपर सेंटर तक पहुंच रही है, उनके लिए एक अच्छा ही होगा, जो भी चीज होती है देखिए समय लगता है लेकिन चीजें जो होती है समय के साथ बढ़िया ही होंगी, क्योंकि ये सरकार है ये अच्छे नहीं, हमारे अच्छे दिन आएंगे, सुमित जी के आएंगे, सुमित जी को अच्छे दिन से जिम्मेदारी समझू, क्योंकि हमेशा भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, हमेशा हर एक बयान का विरोध करते हैं विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा जो दिया जाता है, कटाक्ष भी करते हैं, काउंटर अटैक कहते हैं जिसको, लेकिन सुमित जी बड़ी जिम्मेदारी कब मिलेगी? आप तो जनता के बीच में है लेकिन आपको वो जिम्मेदारी कब मिलेगी, जनता भी जानना चाहती है। देखिए हमारे लिए हमें कार्यकर्ता के रूप में हम हमारा काम है, हमने हमेशा गीता में एक चीज बहुत बार बार पढ़ी हो, उसी के ऊपर हम चलते हैं कि कर्म करता चल और फल की चिंता मत कर। वो कर्म मेरा है कि देश की जनता और ये जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनकी जितनी भी दर्द है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उठाता आया हूँ, उठाता रहूंगा और आगे भी उठाऊंगा, और मेरे ही नहीं हम सबके अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे, और ये मैं आप लोगों से वचन करता हूँ, जहां पे जो चीज की गलत होगी तो आप लोगों की आवाज आगे आके खड़ी होकर मैं ही करूंगा।